हे गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे, वी विल टॉक अबाउट मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, हमने ऑलरेडी इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। दिस इज बेसिकली ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए विक्सटन ब्रिज अरेंजमेंट, ठीक है। और इससे हम करते क्या, इससे हम एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस है और उनका वैल्यू अगर हमको पता नहीं है तो हम उनको कंपेयर भी कर सकते, ठीक है। तो देखते हैं ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करते, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। इस पिक्चर को देखते हैं, कर्सर को ध्यान से देखो। नाउ ए और बी पॉइंट के अक्रॉस हमने जो एक वायर लगा के रखा है, इसी का लेंथ 1 मीटर है। दैट इज द रीजन इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम हम मीटर ब्रिज कहते हैं, बिकॉज ये जो वायर है ए बी वायर इज बेसिकली कंडक्टिंग वायर, इसके साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एसोसिएटेड होगा और इस वायर का लेंथ 1 मीटर है। दैट इज द रीजन हमने इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या दे दिया, मीटर ब्रिज दे दिया। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अभी और एक चीज ध्यान से देखो, ये जो तुमको पत्ती दिख रहा है ना ए सी, और ये वाला जो पत्ती दिख रहा है, ये वाला जो पत्ती दिख रहा है, दिस आर ऑल कॉपर स्ट्रिप्स। ये सारे क्या, दिस आर ऑल कॉपर स्ट्रिप्स, मतलब दे आर बेसिकली कंडक्टर्स। तो दे आर बेसिकली कनेक्टर्स। देखो इस वायर को आगे जाके, ये जो हमारा कंडक्टिंग वायर है, ए बी जो कंडक्टिंग वायर है, इसको आगे जाके ये कॉपर स्ट्रिप एक रेजिस्टेंस पी के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक गैप है जिसके अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस पी लगा के रखा है। ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका रेजिस्टेंस हम बदल सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा कॉपर स्ट्रिप है, ये भी एक कनेक्टर है। आगे जाके यहाँ पर और एक गैप आता है और उसके बीच और एक रेजिस्टर कनेक्टेड है जिसका नाम हमने क्यू देके रखा है, और ये कॉपर स्ट्रिप आके फिर से बी पॉइंट में जाके जुड़ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, आई थिंक सो ये थोड़ा रियल लाइफ पिक्चर है, तुम रिलेट कर पाओगे। ये जो तुमको पत्ती दिख रहा है, ये सारे क्या है, दिस आर ऑल कॉपर स्ट्रिप्स, दे आर बेसिकली कनेक्टर, से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। ओके, तो हमने क्या क्या देखा कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है ए बी जिसके साथ कुछ एक रेजिस्टेंस एसोसिएटेड होगा, और हमने ये भी देखा कि हम कॉपर स्ट्रिप्स के थ्रू दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट करके रखा पी एन की, ठीक है ना। अभी ये जो टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है, मैंने ए और बी को टर्मिनल इसीलिए बुलाया बिकॉज ए एंड बी के अक्रॉस हमने क्या लगा के रखा है, हमने एक बैटरी लगा के रखी है। ध्यान से देखो, ए से निकला और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और बी से जो ये लाइन निकला, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। Is that clear? जैसे कि मैं फिर से अपना पॉइंट रिपीट करना चाहूंगा कि ये एक विक्सटन ब्रिज अरेंजमेंट है, मैं समझाऊंगा कैसे, और इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से हम क्या मेजर कर सकते हैं, हम एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, दो अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो करते कैसे उसको ध्यान से देखो। सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, देखो ई से हमने एक तार निकाला जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास कर रहा है, और आगे जाके वो किसके साथ कनेक्टेड है, आगे जाके वो जॉकी के साथ कनेक्टेड है। सुनाई दिया मैंने क्या कहा, इन दोनों रेजिस्टर्स के बीच में पॉइंट ई है जहां से हमने एक कंडक्टिंग वायर निकाला, जी पॉइंट के साथ, जी इज आवर गैल्वेनोमीटर, उसके थ्रू पास होके वो जॉकी के साथ कनेक्टेड है। रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं, रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है। ये हो गया हमारा ई वाला पॉइंट, जो डायग्राम में हमने ई माना, ये ई वाला पॉइंट, यहाँ से तार निकला, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर, इसके थ्रू होके ये देखो, ये वायर है और ये वायर जाके फाइनली इसके साथ कनेक्टेड है, ये है हमारा जॉकी, दिस इज अवर जॉकी, समझ आया। दिस इज द मेटल रॉड जो कि हम इस ए बी वाले वायर पे स्लाइड करवाएंगे। आई होप सो तुमको थोड़ा फील आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि यहाँ से करंट निकलेगा, तो करंट विल कम आउट फ्रॉम दिस पॉइंट, फिर यहाँ पर पहुँचेगा, फिर उसको दिखेगा कि मेरे पास जाने के लिए दो रास्ता है, कुछ करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा होगा, दिस इज आई वन, कुछ करंट इस कॉपर स्ट्रिप के थ्रू होके इन रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगा, दिस इज हाउ द सर्किट विल फंक्शन। देखो हमको करना क्या है, मेरे से पी एक रेजिस्टेंस है जिसका हमको वैल्यू पता है, क्यू है अननोन रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और एक बात बता के रखता हूँ, ये जो ए बी वाला वायर है, इसके सामने हमने मीटर स्केल भी लगा के रखा है, अटैच करके रखा है, ताकि हम कितना लेंथ है वो मेजर कर पाए, ठीक है। अच्छा, करना क्या है, देखो करना ये है, ये जो जॉकी है, इस जॉकी को हम क्या करेंगे, इस ए बी वाले वायर पे क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, क्या करेंगे, ए बी वाले वायर पे स्लाइड करेंगे। सुनाई दिया मैंने क्या कहा, तो ये जो जॉकी है, जब इस ए बी वाले वायर पे स्लाइड करेगा, गैल्वेनोमीटर जब तक
जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तब तक हम नहीं रुकेंगे। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इस वायर के ऊपर ट्रैवल करते 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 रस से ये जे पॉइंट पे आके हमको दिख रहा कि गैल्वेनोमीटर और डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इट इज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यह है कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा, विच मीन्स पॉइंट ई ऑन पॉइंट जे का पोटेंशियल क्या हो गया, पॉइंट ई एंड पॉइंट जे का पोटेंशियल तब क्या हो जाएगा, तब पॉइंट ई एंड तब पॉइंट जे का पोटेंशियल क्या हो जाएगा। सेम बात समझ में आ रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, उस वक्त पॉइंट ई एंड पॉइंट जे का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दैट इज द रीजन गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। गैल्वेनोमीटर के अंदर एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट फ्लो करना है तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा तो हमको ये पता चल गया कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? ओके फाइन। तो ये होने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन? अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया सर, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करा, वी अंडरस्टैंड दैट। बट इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, मैं तुमको बताता हूँ। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जे पॉइंट है, लेट अस से ए से जे तक का लेंथ हो गया एल वन, एंड जे से बी तक का लेंथ कितना हो जाएगा एल टू। अगर मैं एल वन को सेंटीमीटर्स में लिखता हूँ तो एल टू का वैल्यू कितना होगा, वी ऑल नो ये पूरा एक मीटर लंबा वायर है, मतलब 100 सेंटीमीटर्स, तो 100 माइनस L1 सेंटीमीटर, ये भी हम लिख सकते हैं ऐसे करके। जस्ट बता के रख रहा हूँ ताकि कभी कभी ये चीज़ काम में आता है। तो एक बात को समझो, ये जो L1, ये जो A टू J का जो लेंथ है, ये तुमको वायर तो दिख रहा है, बट एक्चुअली तुम इसको कैसे विजुलाइज करोगे, तुम उसको एज ए रजिस्टर विजुलाइज करोगे। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू, यू नीड टू विजुलाइज द लेंथ L1 having some resistance R, चलो मैंने R लिख रखा। सिमिलरली जो L2 length है, इसके साथ भी तुम क्या करोगे, इसके साथ भी तुम एक resistance visualize कर सकते हो, because एक wire है और rho into L by A, हमने सीखा है कि इसके साथ कुछ ना कुछ resistance associate होगा। और ये वाला जो L2 section है, L2 section के साथ जो resistance associated है, उसका नाम हमने क्या लिख रखा, S लिख रखा। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या सिखाया था, A हो गया टर्मिनल, यहाँ से एक रजिस्टर निकला P और यहाँ से एक रजिस्टर निकला R, इज दैट क्लियर? सिमिलरली बी टर्मिनल से भी दो रेजिस्टर निकला, एक निकला Q, एक निकला S, एग्जैक्टली लाइक वेस्टर्न ब्रिज। और ये दो ग्रुप के बीच देखो, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रखा और हमको ये दिख रहा है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ वट, बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज, राइट? हम तो यही कहते थे ना कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, या हम इसको उल्टा कहते थे, क्या कहते थे, इफ पी बाय आर इज इक्वल टू क्यू बाय एस, याद है ये कहानी? मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था इफ पी बाय क्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्यू सॉरी एक मिनट, इफ पी बाय आर, ये तो लिखते थे, पी बाय आर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू क्यू बाय एस, ये लिखते थे। तब हम ये क्या करते थे कि इनके बीच में जो रजिस्टर है, ये इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, सेम होता था। अभी हम उल्टा कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ओके फाइन, अगर ई पॉइंट एंड जे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो रेशियो है, दिस रेशियो शुड होल्ड, दैट इज पी बाय आर शुड बी इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एस, दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इज दैट क्लियर? दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज। अभी फिलहाल इसको पॉज करो, पॉज करके अच्छे से लिख के रखो, आगे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन है नहीं ऐसा, बस जो इक्वेशंस लिखना पड़ेगा तुमको वो बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, तो ये हो गया हमारा मीटर ब्रिज। आपको पता है, नाउ वी हैव अटेंड ए बैलेंस्ड कंडीशन, एज बिकॉज वी हैव अटेंड ए बैलेंस्ड कंडीशन, as because we have attained a balanced condition, which means the ratio of the resistances P by R should be equal to what, Q by S. Therefore, I can say that P by Q should be equal to what, should be equal to R by S. Is that clear? Now you need to understand that P is known, Q is unknown. Q हमको निकालना है, try to understand, Q is something that I need to find out. Q in this case क्या आ जाएगा, देखो, that is P into S divided by R. Is that clear? P into S divided by R. So, अगर हमको P का वैल्यू पहले से पता है, this is known, बात को समझो। Now, what about R and S? R हो गया ये वाला रेजिस्टर, इसका नाम हमने R देके रखा है, और इस वाले रेजिस्टर का नाम हमने S देके रखा है। So, resistance of R वाला पोर्शन क्या होगा? Try to understand क्या होगा? हमको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज आर इक्वल टू रो इनटू लेंथ, दैट इज L1 डिवाइडेड बाय व्हाट, ए, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली
रेजिस्टेंस ऑफ द एस वाला सेक्शन क्या होगा, रो इंटू इसका लेंथ कितना है, एल टू डिवाइडेड बाई वट हम ए लिख सकते हैं, और इन दिस केस एल टू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज 100 सेंटीमीटर्स माइनस एल वन डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, भूलो मत हम यहाँ पर एल वन को किस में लिखे, हमने यहाँ पर एल वन को सेंटीमीटर में लिखा है, एल टू को भी हमने किस में लिखा है, सेंटीमीटर में लिखा, और ये जो वायर है एनी वाला वायर इसका लेंथ कितना, दिस इज 1 मीटर, हम ऐसे लिख सकते हैं। सो इन दिस केस अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँ, पी तो नोन है, एस की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, रो इंटू 100 माइनस एल वन बाई, एंड एक बात को समझो, आर की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, रो इंटू एल वन बाई ए। तो देखो रो बाई ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सिर्फ एल वन 100 माइनस एल वन बचा रहेगा, तो एस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 माइनस एल वन, राइट टू अंडरस्टैंड, राइट टू अंडरस्टैंड 100 माइनस एल वन, और आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम सिर्फ एल वन लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू क्यू। बोलो तुम लोगों को कुछ समझ में आया, इस रिलेशन का मतलब क्या है, इस रिलेशन का मतलब है कि हमने Q का वैल्यू निकाल लिया, बिकॉज P जो है दैट इज अ नॉन रेजिस्टेंस, L1 का वैल्यू हमने इस मीटर स्केल से जिस जगह पर नल पॉइंट आया है उसके बाद हम इस मीटर स्केल से L1 का लेंथ मेजर कर सकते हैं, L2 का लेंथ मेजर कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर रिलेशन को यूज करके आराम से हम Q का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल पी एंड क्यू अननोन है, हमको इनका रेशियो को कंपेयर करना है, कौन बड़ा कौन छोटा, तो P बाई क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एल वन डिवाइडेड बाई लेट अस से 100 माइनस एल वन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर रिलेशन में P एंड Q जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को क्या कर रहे हैं, हम इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ बेसिक मीटर ब्रिज वर्क्स, बहुत सिंपल है, विटस्टन ब्रिज है, बहुत ही आसान है, आई होप सो तुमको ये समझ में आया, इसको पॉज करके अच्छे से लिख के रखना, इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, एकदम जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस है, वो अच्छे से देख लेना, ठीक है, ओके फाइन, डन डन फॉर नाउ।